हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैलरी पर। एयरफोर्स की सैलरी कितनी होती है उस पर हम बात करेंगे। कई इतने बकवास बकवास चैनल यार थंबनेल पर ये डाल रखा कि सैलरी देकर आप चौंक जाएंगे। क्या कोई रिश्तेदार बैठा गया वहाँ पर कि इतनी इतनी सैलरी दे देता है कि हम सैलरी को देख कर चौंक जाएंगे। दोस्तों, सैलरी सबकी अलग अलग भी हो सकती है। ऐसे नहीं है कि आप दो बंदे साथ लगे तो दोनों की सैलरी सेम होगी, बिल्कुल नहीं। मान लो अगर दो बंदे हैं, आप दोनों एक साथ ही मान लो ज्वाइनिंग के टाइम गए हैं, तो आपकी सैलरी बिल्कुल अलग होगी। सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो PDF में दे रखी होती है ना कि 33,000 सेवन्थ पे कमीशन वगैरह सब लगा के, सैलरी उतनी नहीं होती, ठीक है। ये जो होते हैं कभी डिफेंस में गए नहीं हुए हैं और ये यहाँ पे ज्ञान पे घेरने लग जाते हैं चैनल वाले, सबसे बकवास लगते हैं मेरे को वो, जो कभी मतलब कभी उनकी तैयारी नहीं की हुई डिफेंस के, ज्ञान पे घेरने लग जाते हैं यार। इतनी है सैलरी, इतनी है सैलरी, है ना। इस चैनल ने तो यार कल पता क्या, नेवी में सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्यों भाई, है ना। क्या रिश्तेदार बनाते हैं क्या, तेरे रिश्तेदार निकालते हैं क्या वहाँ पे एडमिट कार्ड, कि सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। नोटिफिकेशन ही छोड़ दिया नेवी ने कि 60% से ऊपर एडमिट कार्ड आएगा, तो फिर तो आएगा ही वो। यार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार ऐसे ऐसे चैनल। तो दोस्तों, सैलरी के फैक्टर्स पर बात करते हैं हम। जब सैलरी आप पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बात करूँगा, जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग पे जाते हो, फिजिकल ट्रेनिंग होती है बेलगांव, वहाँ पर आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता, खुद के जेब से आपको रुपये देने पड़ते हैं हर चीज़ के। फिर आप 6 महीने बाद वो जाते हो ट्रेड, जो ट्रेड ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेड चूज करते हो, सॉरी आई मीन जो आपको ट्रेड देते हैं चूज, वो खुद जो कंप्यूटर में आपका नाम डाल देते हैं सबका, फिर वो रैंडमली जो PC है वो अपने आप कंप्यूटर चूज करेगा कि कितना क्या, मतलब किसको क्या ट्रेड मिली किसको क्या, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। उन्हों उस जो वहाँ पे बैठे उनको भी नहीं पता आपको क्या ट्रेड मिलेगी, कंप्यूटर रैंडमली। फिर आपको क्या होता है कि 18 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ट्रेड ट्रेनिंग, उसमें आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। फिर ठीक है, 12,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। आप ये मत सोचे ना कि जो आपकी जो पिछले 6 महीने की सैलरी और जो 12,000 के अलावा जो यहाँ पे सैलरी बची वो आपको लास्ट में जितने भी 3 या 3.5 लाख जितने भी बनते हैं, ठीक है, वो भी हर साल घटते बढ़ते रहते हैं, तो वो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली, उसके बाद आपको मिलने स्टार्ट होते हैं 33 से शुरू होते हैं, और एक्स का भी अलग होता है वाई का भी अलग होता है। एक्स और वाई के जो सैलरी होते हैं ना, उसमें 3,000 का भी डिफरेंस होता है, 3 या 3.5 का भी। ये भी ट्रेड वाइज, अगर मान लो ट्रेड वाइज भी सैलरी अलग अलग होती है ना। फिर क्या होता है, ये जो सैलरी होती है ना, ये अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करती है कि आप खुद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी ये सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, सैलरी के जो मेन फैक्टर होता है ना, वो होता है आपकी ट्रेड। जो सैलरी की जो ट्रेड होती है ना, उस अनुसार आपकी सैलरी मिलती है। फिर क्या होता है, पर एनुअल कुछ इंक्रीजमेंट भी होता है। पर एनुअल इंक्रीजमेंट होगा, एक बंदा है जो एयरफोर्स में लगा हुआ है मेरे साथ का, है ना, उसे वो लगा था 2014 में। अब उसकी जो वो है ना क्या सैलरी, उसके 52,000 यानी 52,000 रुपये, ठीक है। जब वो लगा था उस टाइम उसके 33 के समथिंग, यानी 33,000 के समथिंग शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो मेन फैक्टर एनुअल, देखो क्या क्या फैक्टर है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड जो आपको दी जाएगी उस पर, ठीक है, और जो एनुअल इंक्रीजमेंट है उस पर, ठीक है, वो आपकी सैलरी हो गई, ठीक। और जो अगली वीडियो बताऊंगा ना, एक ऐसा चैनल भी बकवास सा जिसने एक वीडियो डाल रखी कि अगर आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी करेंगे तो ये बुक मत पढ़ना, और वहाँ पे बुक दिखा रखे फ़ोटो में, ठीक है। वो बुक है ना, उस बुक जो जिस कोचिंग की वो बुक है, वो मेरे पास में ही है। मैं हूँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, नारनौल का। तो दोस्तों, नारनौल में वो कोचिंग है, और उस कोचिंग ने बात भी कर ली कि यार इस बंदे ने मेरी बुक क्यों डाली है, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, नहीं आज के दिन उस बंदे के पास कॉल आ लेता कि तूने मेरी बुक क्यों डाली। किसी भी संपत्ति का हम ऐसे अपने विज्ञापन के लिए किसी दूसरे चीज़ के विज्ञापन का हम क्या नहीं कर सकते, बेइज्जती नहीं कर सकते या उसको गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक है ना, ये रूल बना हुआ है। तो वो भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा वो बंदा कौन है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल वाले मैं एक एक बंदे को देख रहा हूँ, साले गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको गलत चीज़ बता रहे हैं ना यार। दूसरों की संपत्ति के साथ छेड़ क्यों कर रहा है वो, है ना। वो बुक ये बुक मत पढ़ो तैयारी के लिए, क्यों भाई,
यार उस बंदे ने भी तो बड़ी मेहनत से वो बुक बनाई है, ये बुक मत पढ़ो ठीक है। उस बंदे का नाम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं बुक्स पर बनाऊंगा ना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बुक्स पर बनाऊंगा। और अब सैलरी की बात करते हैं, जब सैलरी होती है ना तो पर एनुअल इंक्रीजमेंट के बाद जो फैक्टर होता है ना, जो नया फैक्टर होता है वो होता है कि आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आपकी जो पोस्ट बढ़ती है उस पोस्ट के अनुसार भी आपकी सैलरी फिर इंक्रीजमेंट हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ सैलरी फैक्टर थे, सैलरी बढ़ती रहती है ठीक है। 33,000 से सैलरी कोई फिक्स नहीं होती कि हाँ एयरफोर्स की सैलरी इतनी होती है इतनी होती है, सब बकवास करते हैं यार, सैलरी कोई फिक्स थोड़ी होती है ना, नेवी की सैलरी फिक्स नहीं होती। तो दोस्तों प्लीज़ यार सही ज्ञान लीजिए, सही चीज़ को चुनिए ठीक है। ऐसे बकवास बकवास चैनल है यार, तो सही ज्ञान लीजिए सही चीज़ को। और आपको फिजिक्स पढ़नी है तो इंडियाफोर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 मिक्स फिजिक्स क्वेश्चन रोज़ रात 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम, पिछले 2-3 दिन से हुई हो नहीं पा रही है ठीक है। दोस्तों आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल लाइक ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो है ना नीचे जो मैंने जिस चैनल का नाम रखा उस चैनल वाले तक ज़रूर पहुँचा दीजिए। अगर उसका कोई साथ का बैठा है तो कोई साथ का सुन रहा है तो ठीक है, उस तक ज़रूर लिंक कर दीजिए ये वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।